11 दिसंबर को यहां कांग्रेस की सरकार भी है, ये बातें हैं। दूसरा सपना भी है, आपको याद होगा 2014 में एक नारा चला था, हर हर मोदी घर घर मोदी। छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत के हम ये संदेश देंगे, बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। ये दो लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। तीसरा जो सबसे अहम है, और एक देश का युवा होने के नाते जिसके मुझे एक तथ्य से बहुत पीड़ा हुई है, आपके प्रोग्राम का नाम है छत्तीसगढ़ किसका गढ़। जिस प्रकार यहां समृद्ध भूमि है, अमीर धरती है, छत्तीसगढ़ तो विकास का गढ़ होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में अजीब मॉडल चल गया है, पुत्र विकास जनता का विनाश। छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस पार्टी के तथ्य नहीं है, केंद्रीय सरकार के तथ्य हैं। सबसे ज्यादा जनता आबादी जो गरीब रेखा से नीचे रहती है वो छत्तीसगढ़ में है। जब स्थापना हुई थी 37%, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 42%, मोदी जी के बयान के हिसाब से 50%। और एक आखिरी दूंगा, 24 अप्रैल 2018 को नीति आयोग का बयान आया, भारतवर्ष इसलिए नहीं तरक्की कर रहा क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य हैं। तो मुझे लगता है जनता को इंसाफ दिलाना ये अहम लक्ष्य है, जिससे सरफरोशी और शिद्दत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी अभी पिछले दिनों यहां पर एक वादा करके गए हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है उद्योग के लिए अधिग्रहित की गई थी। नियम यह है कि 5 साल के अंदर उन पर उद्योग लग जाना चाहिए। उन्हें वादा किया गया है कि जमीन उनकी वापस की जाएगी। ये कब तक हो पाएगा अगर आप सरकार में आते हैं? कितना समय? जैसे राहुल जी हर जगह वादा कर रहे हैं कि कर्ज माफी 10 दिन में हो जाएगी, शपथ ग्रहण के 10 दिन के भीतर। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को कब तक उनकी जमीनें वापस मिलेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने, और इसका उत्तर मैं राजनीतिक और कानूनी दोनों में, क्योंकि वकील भी हूं तो वो आदत जाती नहीं। उसमें कानूनी पक्ष जी, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट बना 2006 में, और मौजूदा जो स्थिति है वनवासियों के अधिकार, जो इंडिविजुअल राइट्स है और कम्युनिटी राइट्स है, 55% पट्टे जो रद्द कर दिए गए, जो मांग कर दी गई 55%, उस राज्य में जहां एक तिहाई पॉपुलेशन वनवासियों की है। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहले तो वो जो 55% पट्टे रद्द कर दिए गए हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। पट्टों की बात जयवीर कर रहे हैं आप, मैं आपको याद दिला दूं कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, पट्टों के लिए जो आवेदन लगे हुए थे 9 लाख से ज्यादा आवेदन, छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख पट्टे क्रियान्वित हुए और वे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय लगाए गए आवेदन थे। बिल्कुल, 15 साल से आपकी पार्टी विपक्ष में है, इस मुद्दे को आपने उस तरह क्यों नहीं लड़ा? जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं ये। कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए आवाज भी उठाई, धरने भी दिए, मैं जगदलपुर भी गया, उसे पद यात्रा भी हुई, एक नहीं चार चार हुई। अब समाधान क्या है? जब से ये सरकार है, ये आते ही भूमि अधिग्रहण कानून आया, 2016 में आपको होगा अमेंडमेंट ला दी गई कि ग्राम सभा का जो सहमति चाहिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए, वो भी वापस ले लिया 2016 में। आपकी बात सही है, 15 साल एक बहुत लंबा समय है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, हमें भी उसमें मंथन किया कि क्यों 15 साल रही भाजपा की सरकार, तभी उन कमियों को पूरा करने के लिए इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो आया है एक टाइम बाउंड मैनर। 15 साल आप सरकार में नहीं रहे, पार्टी संगठन के स्तर पर आपने कहा कि समीक्षा की हमने, क्या कमियां पाई आपने पार्टी? देखिए, पहले तो 15 साल की जब आपने कहा कि क्या कमियां पाई, हार हार होती है उसके कारण होते हैं, कान को जमीन पे लगाना चाहिए। जो इस बार मुझे लगा जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसको हमने फिल इन द गैप किया है, जनता से जुड़े मुद्दों पे हमने सिर्फ चुनाव लड़ा, पहला। दूसरा, वोट शेयर 2014 में 13 में आपको याद होगा सिर्फ 0.72%, मतलब हम बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह गए पिछले चुनाव में। तो गुजरात और कर्नाटक के चुनाव, वो इंग्लिश की कहावत है, वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो इस बार हमने बहुत जहन दिया है, तवज्जो दी है कि जो बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ता जो हमारी रैली में रश आ रहा है, जो कार्यकर्ता का जोश है वो वोट में भी तब्दील हो, तो इस बात पे हमने ज्यादा तवज्जो दी है। 0.72% राज्य का कोई चुनाव हारना, ये तो जो जीती बाजी हारने वाली बात है। आप लगातार पिछले चुनाव में जीती बाजी हार रहे हैं, बीजेपी 1 बूथ 10 यूथ की बात करती है, आपने बूथ मैनेजमेंट की अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, तो इस बार छत्तीसगढ़ में किस तरह का मैनेजमेंट किया है बूथ पर? आपने कहा 1 बूथ 10 यूथ,
इस बार भाजपा का नारा है वन बूथ और हंड्रेड झूठ जी। ये नारा है जो एक बूथ और सौ झूठ वाली इनकी रिंदी है, ये इनको पीछे चलेगी। इस बार हमारे काडर को ट्रेनिंग भी दी गई है, काडर को संदेश भी दिया गया है कि जितना आप जनता से मुद्दों की उठा रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको चुनाव वाले दिन पोलिंग वाले दिन भी करनी पड़ेगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि पोलिंग वाले दिन आपका काडर वोटर को ले जा पाएगा बूथ तक। छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सली समस्या से जूझ रहा है, नक्सली समस्या को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। अभी राज बब्बर जी कह गए कि नक्सली क्रांतिकारी हैं। कुछ देर पहले हमारे इसी सत्र में प्रमोद तिवारी जी थे आपके सांसद, वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके गोलमोल। आप व्यक्तिगत रूप से और पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या नक्सलियों को क्रांतिकारी मानते हैं, और अगर नहीं तो इस नक्सली समस्या का निदान कैसे करेंगे? 15 साल से आप सरकार में नहीं है। आपने सही कहा कि आपने कहा पार्टी के दो नेता है, उनके अलग बयान थे, पर जो ये लोग बात याद करा रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी, 2013 में उनका बयान था कि नक्सलवादी और माओवादी मेरे अपने लोग हैं बतौर मुख्यमंत्री। डॉक्टर रमन सिंह का बयान था बस्तर के सपूत, बस्तर के बेटे, तो पहले वो नीति साफ करने प्रश्न पूछने। दूसरा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, मैंने अब आपने पूछा आप क्या करेंगे। जो लोग नक्सलवाद को ज्वाइन करना चाहते हैं विकास की लहर से उनको रोका जाएगा। तीसरा, आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बीआरजीएफ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जिसे दोनों को रद्द कर दिया गया था, उसको दोबारा स्थापित किया जाएगा। और मैं पंजाब से हूं, मेरा बचपन जब मैं स्कूल जाता था आतंकवाद का अजगर पंजाब को निगल रहा था। केपीएस गिल आए स्वर्गीय, उन्होंने क्या कहा, मुझे बुलाया गया, रमन सिंह जी ने कहा आप खाओ पियो ऐश करो, तनख्वाह लो, सरकारी सहूलतें लो, और आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं। और राजनीति छोड़ दीजिए, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की उपलब्धि क्या है, अपना खुद का गृह क्षेत्र कवर्धा नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है। राजनाथ सिंह आते हैं उनको आंकड़ा ही नहीं पता, आपके चैनल ने भी प्रश्न उठाया था कि 14 जिले प्रभावित हैं कि 60 जिले प्रभावित हैं। और अंत में तो हद ही हो गई, उत्तर प्रदेश जहां नक्सलवाद का इतना प्रभाव भी नहीं, 100 करोड़ उत्तर प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को 33 करोड़। तो मैं यही कहता हूं, ये जो टीवी पे चीर देंगे और वास्तविकता में आतंकवादियों को खीर खिलाएंगे वाली बीजेपी है, उससे दूर हट के हम नियत और नीति से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। और इसमें कोई भ्रम किसी नक्सलवादी को नहीं रखना, गोली चलेगी हम भी गोली चलाएंगे। मेरा भी एक सवाल है डॉक्टर पाठक जी, कि आप नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या समानता मानते हैं या अलग अलग देखते हैं? जो भी बंदूक उठाता है और मेरे देश के सैनिक पे गोली चलाता है उसको मैं गुनेगार मानता हूं, उनके नाम आतंकवाद, अलगाववादी, नक्सलवाद, रो मर्जी रख दें। जो इस देश के सिपाही पे गोली चलाएगा, आम नागरिक पे गोली चलाएगा, वो इस देश का दुश्मन है, और ये मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं। एक सवाल और, शेरगिल जी, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, आपका खैर मकदम है, आपको शायद पता तो होगा ही कि आपका कुनबा छत्तीसगढ़ में बिखर चुका है। आपके परिवार का एक सबसे बड़ा झंडा बरदार अपना अलग झंडा फहरा रहा है। किस उम्मीद से आप यहाँ अपनी सरकार बनाने का सपना लेकर आए हैं कि जब आपका घर ही नहीं संभला है तो आप इस स्टेट को, इस छत्तीसगढ़ को संभालने का कौन सा ख्वाब देख रहे हैं? घर उनके बिखरते हैं जिनकी नींव कमजोर होती है। ये कांग्रेस पार्टी है, इसकी नींव बहुत मजबूत है। आपने घर बिखरने की बात की, आप चुनाव के नतीजे देखिए, अगर यही मापदंड है तो मध्य प्रदेश में मामा जी के साले साहब कांग्रेस पार्टी में आ गए, उनके जीजा जी कांग्रेस पार्टी में आ गए। यहां हमें अजीत जोगी जी की ना जरूरत है चुनाव जीतने के लिए, और आप देखेंगे जब 11 दिसंबर को आएगा भाजपा और जोगी कंबाइंड, ए टीम बी टीम कंबाइंड कांग्रेस की टीम नहीं हरा सकती। अब आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, आप किस उम्मीद से आए हैं? जनता के पास निर्णय साफ है कि नीरव मोदी बेईमान के साथ जाना है कि सच्चे किसान के साथ जाना है, कि हिंदुस्तान के साथ जाना है कि लिंचिस्तान के साथ जाना है। कि मैं आंकड़ा इनके सामने लगा, कैग की रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ की, स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को आईसीयू में भेज दिया, 21 नंबर पे है छत्तीसगढ़। शिक्षा में लेके पहले 15 राज्यों में भी नहीं छत्तीसगढ़। तो ये जनता अब परिवर्तन जो चाहती है, ब्लू मैप, ब्लू प्रिंट, जो नाम ले वो तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आज जनता अजीत जोगी जी के चेहरे पे वोट नहीं डालेगी,
मोदी जी के भाइयों बहनों मित्रों पे नहीं वोट डालेगी, वो वोट डालेगी कि किसान की थाली से पे जो अन्न रख सकता है, युवा को रोजगार दे सकता है, व्यापारी को मुनाफा दे सकता है। तो हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है, हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं और उन इश्यूज पे लड़ रहे हैं, पर्सनैलिटीज पे नहीं। एक सवाल और हमारे साथी की तरफ से। शेरगिल जी, 4.5 साल पहले मोदी जी आए, गंगा मैया की शरण लेकर के वो सत्ता में आए, उस फार्मूले को आपने भी अपना लिया, छत्तीसगढ़ में गंगा जल उठाना पड़ गया आपको, इसके पीछे क्या राष्ट्रीय पॉलिसी बनी या क्या मामला क्या था? गंगा जल की बहुत चर्चा हो रही है कल, और थोड़ा सा भाजपा को बदहजमी भी हो गई है मुझे लगता है, मैंने प्रेस वार्ता की कही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा लगता है गंगा जल मंदिर भगवान राम पे भाजपा की नेम प्लेट लगी हुई है। तो मैं इस मंच से कह देता हूं, आपने 4.5 साल पहले की बात उठाई, गंगा मैया के साथ मोदी जी ने सौतेले पुत्र का व्यवहार किया, श्रवण पुत्र का व्यवहार नहीं किया। वाराणसी में जाके आज मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहना पड़ा जब से मोदी सरकार आई है पॉल्यूशन लेवल मां गंगा में बहुत बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केहर को कहना पड़ गया कि हमारे जीवन काल में मां गंगा साफ नहीं हो सकती। अब आपने मेरा प्रश्न पूछा कि हमने क्यों किया, आप छत्तीसगढ़ में ज्यादा मुझसे, छत्तीसगढ़ की तो प्रथा है कि गंगा जल या महाप्रसाद को लेके साक्षी मान के अपना अपना वचन पूरा करते हैं। तो हम तो गंगा जल को होंगे, भाजपा का उपपत्ति क्या है गंगा जल में, किसान में के कांग्रेस पार्टी में? हमने तो अपनी प्रथा निभाई है, हम दोबारा निभाएंगे। और मोदी जी ने जो मां गंगा के से सोतेला व्यवहार किया उसकी सजा 2019 में मिल जाएगी। हम क्या कहते हैं, हमें वार्निंग भी लेनी चाहिए, यह हम पे ज्यादा जिम्मेदारी बांधता है। अगर हमने कम दुराया 10 दिन में कर्जा माफ जैसे पंजाब और कर्नाटक में हुआ है। जयवीर जी, अभी आपने नेम प्लेट की बात कही कि कुछ मुद्दे जिसमें आपने राम जी का नाम भी लिया, अब तो आपकी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, मध्य प्रदेश में राम पथ गमन यात्रा को आप लोग बनाने का वादा कर रहे हैं, गांव में हर पंचायत में गौशालाएं बनाए गए, उनके मुद्दे आप अधिग्रहित कर रहे हैं, आपके पास और मुद्दे नहीं है विकास को लेकर? एक भाजपा के लिए किसी ने कहा था, ना किया कोई काम इसलिए आए अब याद भगवान राम। भाजपा की नीति है मुंह में राम दिल में नथू राम, हाथ में छुरी और बढ़ाओ समाज में दूरी, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आपने सत्य कहा, अगर गऊ का लेके कोई मध्य प्रदेश में मुद्दा है वो हमने उठाए, उसी सरफरोशी से हमने युवा के भी मुद्दे उठाए। आप 15 साल से सत्ता में नहीं थे मध्य प्रदेश में, तब गौशालाओं की गौ माता की चिंता नहीं हुई? बिल्कुल हुई, सरकार 6 महीने बाद, चुनाव से 6 महीने पहले आपने गौशालाओं की बात करना। कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक जो हैं जो नहीं भी हैं, कार्यकर्ता की लिस्ट दे दूंगा, पहला। दूसरा, जो काउ स्लॉटर बिल आए, प्रोहिबिशन बिल आए, इस देश के कितने राज्यों में आए और कितनी कांग्रेस की सरकारें थी उसका भी आप अगर आंकड़ा निकाले, कांग्रेस पार्टी। तीसरा, क्या हमारे मैनिफेस्टो में, हम चुनावी हिंदू नहीं है भाजपा की तरह, क्या हमारे मैनिफेस्टो में कोई मंदिर की बात है? तभी तो मैंने कहा अब भगवान राम किस लिए याद आ रहे हैं, पहले भगवान राम ने सत्ययुग में वनवास काटा, कलयुग में भगवान राम भाजपा के मैनिफेस्टो में वनवास काट रहे हैं। अब और कोई मुद्दा नहीं है, योगी आदित्यनाथ आके राम नाम जप रहे हैं, तो असली नारा तो है राम नाम जपना पराया माल अपना, ये भाजपा का नारा है। चलिए, बीजेपी के मुद्दों पर आप लोग लगातार हाथ रख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो वचन पत्र जारी किया कांग्रेस ने उसमें एक लाइन पर बवाल हो गया है, शासकीय परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं न लगने देने की बात, आप लोग ठीक से उसका जवाब नहीं दे पा रहे, सचमुच में क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, सही में संघ पर प्रतिबंध लगाने की मंशा है? तो मुझे इसका उत्तर फिर वकील होने के नाते, कानून में दो अंतर है, हम आरएसएस को बैन नहीं करना चाहते, पहला, आरएसएस की आइडियोलॉजी है हमारे विरुद्ध है, वो जो मर्जी करें, आरएसएस गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट प्रेमिसेस में आरएसएस की शाखा नहीं लग सकती, ये देश का संविधान है, सर्विस रूल है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी उसी बिल्डिंग में कांग्रेस या आरएसएस का सदस्य नहीं, केंद्र सरकार का भी सर्कुलर है या ये है। तीसरा, सरकारी कर्मचारी संघ सेवा के लिए थोड़ी है, जनसेवा के लिए है। चौथा, हां, हम आरएसएस को रोकना चाहते हैं क्योंकि हर सरकारी संस्था पे आरएसएस संघीकरण करना चाहता है, हम आरएसएस को रोकना चाहते हैं क्योंकि अफसरों की नियुक्ति इस बात पे हो रही है वो आरएसएस के हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश, सीबीआई पे, आरबीआई पे, यूनिवर्सिटी पे,
अब आपकी क्वालिफिकेशन मोहन भागवत दूरदर्शन पे बोल रहे हैं, ये देश है भाजपा का पार्टी ऑफिस नहीं जहां मोहन भागवत और मोदी मोदी होगा हम तालियां मारेंगे। आरएसएस को रोका जाएगा, उनकी सोच को रोका जाएगा, पर संविधान के दायरे में रहकर रोका जाएगा। और आखिर में मुझे लगता है सरदार पटेल जी का इतना बड़ा स्टैच्यू हुआ है, सरदार पटेल जी को तो असली श्रद्धांजलि यही है कि जिस आरएसएस को उन्होंने बैन किया था अब कांग्रेस पार्टी उनको दोबारा बैन करने जा रही है, तो यह असली सच्ची श्रद्धांजलि है। नहीं, आप कह रहे हैं आरएसएस को बैन नहीं करना है और अगले बार प्रेमिसेस में, प्रेमिसेस सरकारी जो दीवार है जहां बिल्डिंग है जो संस्था है उसमें संविधान के दायरे में। एक सवाल, छत्तीसगढ़ सामाजिक सद्भावनाओं का गढ़ रहा है, क्या कारण है कि हम जब कभी भी टिकट वितरण या कोई भी बात करते हो तो जातिवाद को मस्तिष्क रख करके उसको सोचा जाता है किसी के भी द्वारा भी, तो वो जो एक सामाजिक सदियों से जो भावना हमारे थी तो वो उसमें दिक्कत जा रही है। दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि पिछले जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने विधान परिषद गठन करने की बात कही थी छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी पार्टी आने के बाद, तो इस घोषणा पत्र में विधान परिषद का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? ये क्योंकि बुद्धिजीवियों के जाने के लिए एक अच्छा माध्यम, बाकी आप सब जानते हैं विज्ञ आप लोग। मैं इसमें जयवीर जी एक पूरक प्रश्न और जोड़ दूं, छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया उसमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने का आश्वासन दिया है, यद्यपि ये पहली बार नहीं है। 15 साल पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दूसरी बार सरकार बनी थी, तब भी उन्होंने विधान परिषद बनाने की बात कही थी लेकिन विधान परिषद अब तक नहीं बन पाई। सचमुच कांग्रेस चाहती बनाना या सिर्फ जिन्हें टिकट नहीं मिल सके उनके लिए एक लॉलीपॉप है, सरकार बनेगी तो आपको विधान परिषद में ले आएंगे। आपने कई बार बैट्समैन देखा है जब बाउंसर आती है तो ऐसे नीचे हो जाता है, तो जब बाउंसर आती है हमारे बड़े बल्लेबाज तिवाड़ी जी आ गए हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा थे छत्तीसगढ़ में, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये देंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश में तो वचन पत्र में है। दूसरा जाति की आपने बात की, मुझे, मैं कई राज्यों में चुनाव में गया, अपने राजनीतिक जीवन में मेरा राजनीतिक जीवन और अनुभव बहुत कम है आपसे, मुझे एक ऐसा राज्य लगा छत्तीसगढ़ जहां हमारी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भाजपा से बहुत बेहतर रही है, सिर्फ काबिलियत पे टिकटें बांटी गई हैं, विनेबिलिटी फैक्टर को देख के टिकट बांटी गई है, किसी की जान पहचान को कहां से आता है इस बात पे नहीं रखी गई। और इस बार मैं कहूंगा कि कांग्रेस की ये टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम रही है वही रंग ला रही है, और जो 0.72% का डिस्टेंस रह गया था हमारा भाजपा से, अब वो 7.2 होने वाला है जो अब कांग्रेस और बीजेपी में वो डिफरेंस रह गया था। पर हम लोगों के सवाल का उत्तर नहीं मिला विधान परिषद को लेकर, वो करेंगे, मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है जी, मैनिफेस्टो बनाने वाले तिवारी जी हैं, जब वे मंच पर आएंगे तो उनसे इसका जवाब लेंगे। सर एक सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है लगातार बढ़ रही है, सीटों के मामले में वो नहीं बढ़ पा रही है, पहला सवाल इसमें कहां चूक हो रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जिस जगह से आते हैं वहां पर जब चुनाव होते हैं तो पंजाब में मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाता है, छत्तीसगढ़ में क्यों डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, ये क्या फॉर्मूला सही नहीं है? पहले आपने मुझे वो सीटों मतलब उसका मैंने इनको उत्तर दिया, सिर्फ केवल बूथ मैनेजमेंट जो थी उस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है इस बार वो देखेंगे। एक तो वोट शेयर इतना कम नहीं रहने वाला, 0.72 नहीं रहेगा, हम 7.2 होंगे और वो इतना फर्क हो जाएगा। दूसरा, उससे हमने सीख ली है, इंग्लिश की कहावत है बैड एग्जाम्पल सर्व एज गुड वार्निंग साइंस। कांग्रेस पार्टी अमित शाह की तरह अहंकारी नहीं है जिसने फरमान कर दिया अगले 50 साल हम रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अहंकारी नहीं है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखती, तभी हम 60 साल रहे और अगले लंबा समय रहेंगे। बूथ मैनेजमेंट तवज्जो दी है। दूसरा, आपने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात उठाई, मैं अक्सर डिबेट पे जाता हूं, जब श्री अमित शाह हरियाणा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं घोषित करते उसे कहा जाता है चाणक्य नीति, पर जब कांग्रेस पार्टी वो करती है तो हमें कहा जाता है राजनीतिक हताशा। ये मीडिया का स्पेशल प्रेम है हमारे प्रति, मैं नहीं जानता। तीसरा, ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, अगर हमने पंजाब में किया है हम राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे, और क्रिकेट में भी नहीं कर रहे, नहीं मध्य प्रदेश में भी नहीं कर रहे, हाँ अभी नहीं कर रहे। क्रिकेट टीम में डॉक्टर रमन सिंह एक बल्लेबाज है, कांग्रेस की क्रिकेट टीम में 5-5, 6-6 बल्लेबाज हैं जो चौके छक्के मारेंगे और भाजपा को हराएंगे। एक सवाल और इधर। सर बड़े ताबड़तोड़ तरीके से आप आंसर देना तो मेरा भी एक मन हो गया कि मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं।
कर्ज माफी की भी आपने बात कही कि अगर आपकी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर कर्ज माफ हो जाएगा। सवाल मेरा सिर्फ यह है कि किसी का यहाँ पर कर्ज, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 लाख है, किसी का 10,000 है, किसी का 50,000 है, किस पे स्केल पर आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप उनका कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर? दो मॉडल हमने पंजाब और कर्नाटका में अपनाए। पंजाब में 13 लाख किसान है, 10 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया जिनकी जमीन 5 एकड़ से नीचे नीचे थी। पहला क्रेडिट उनके देखा गया किनके टाइमिंग का क्रेडिट है, वो फॉर्मूला वर्क किया। कर्नाटका में हमने पहले पड़ाव में 3 लाख रुपया जब सिद्धरमैया जी की सरकार थी, अब 1 लाख रुपया प्रति किसान का किया। यहां भी सबसे पहले जो किसानों की बड़ी संख्या है सबका एक बराबर पहले कर्जा माफ होगा। दूसरा एक अहम कदम जो हम उठाएंगे केंद्रीय सरकार के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कृषि क्षेत्र पर टैक्स लगा है, ट्रैक्टर ट्यूब पर टैक्स, इंसेक्टिसाइड पर टैक्स, पेस्टिसाइड पे टैक्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे जिसे अब जीएसटी कह देती हैं। दूसरा हम जीएसटी काउंसिल अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बनेंगे उनके द्वारा इस टैक्स स्लैब रेट को नीचे लेके आने की बात करेंगे। तो 10 दिन की जो कर्जा माफी है जमीन के तहत, कर्जे के तहत वो फॉर्मूला निकलेगा और वो माफी होगी। जैसे कि हमने यूपीए के दौरान 72,000 करोड़ रुपया किया था, सेम फॉर्मूले पे यहां भी लागू होगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लगातार चुनाव से पहले कहा कि स्काई लैब पैराशूट उम्मीदवार नहीं होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे दल बदलू प्रत्याशियों को टिकट मिले जो कुछ घंटे पहले कांग्रेस में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में सरताज सिंह सिर्फ चंद घंटे पहले कांग्रेस में आए और उनको टिकट मिल गया। मुख्यमंत्री के साले कुछ दिन पहले आए, टिकट मिल गया। तो क्या राहुल गांधी की खुद के बनाई हुई आचार संहिता का पालन नहीं हुआ टिकट देने में? क्या जीत इतनी जरूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाए हुए नियम भी दरकिनार कर दिए? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई नियम श्री राहुल गांधी के दरकिनारे, कार्यकर्ता की बिना मर्जी के दरकिनारे हो सकता है? हमने स्पष्ट किया था किसी कार्यकर्ता की मर्जी के बगैर, दावेदार के बगैर वो टिकट नहीं दी जाएगी। आज भी जिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी सहमति से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ऐसी कोई पैराशूट कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली कि हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और विनेबिलिटी के लिए हो जाए, तो वो निश्चिंत है विनेबिलिटी और कार्यकर्ता की सहमति से ही ये टिकट बटी है, ये निश्चिंत है और हमारे कार्यकर्ता का पूरा कॉन्फिडेंस है उस निर्णय में। चलिए देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मंशा, उनकी इच्छा से टिकट दिए हैं। 11 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो क्या परिणाम आएंगे, छत्तीसगढ़ इस धान के कटोरे में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 11 दिसंबर की शाम को पता लगेगा। तो ये थे जयवीर शेरगिल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये चर्चा अभी जारी रहेगी अगले मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जयवीर सिंह शेरगिल जी हमारे साथ जुड़े और उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए डॉक्टर पाठक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और बस यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छे से आपने बड़ी उन्मुख होकर सवालों के जवाब दिए, बड़ी प्रखरता से जवाब दिए। जीवन को कुछ मानी देना होता है, नित नई कहानी देना होता है, फल तो केवल मौसम में ही आते हैं पर वृक्षों को प्रतिदिन पानी देना होता है। उसी प्रकार 5 साल का इंतजार करने के बाद जब चुनावों के नतीजे आते हैं लेकिन जनता संतुष्ट है या नहीं जो मौजूदा सरकार से है, ये बड़ा सवाल, और उसका फायदा उठाते हुए विपक्षी नेता जरूर नजर आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आदरणीय जयवीर सिंह शेरगिल, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, लेकिन लगातार डिजियाना समूह, न्यूज वर्ल्ड चैनल, डीएनएन समूह में हमारा विशेष कार्यक्रम किसका गढ़ छत्तीसगढ़ लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।